तो कैसे आप लोग, उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर, कुछ बात करनी थी आप लोगों से, तो आइए ज़रा कुछ बात करते हैं। देखिए ना, देखते देखते 2023 पूरा कंप्लीट हो गया, नया साल 2024 आ गया। 2024 का भी एक महीना जनवरी निकल गया, फरवरी शुरू हो गया और हमारी पढ़ाई कहाँ तक हुई ये आप बेहतर जान सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारा जितना आराम करने का समय था, ठंड भी तो अब ख़त्म हो गई, अब तो मौसम भी सही हो गया, अब तो मौसम भी बदल गया, लेकिन शायद हमारी पढ़ाई शुरू नहीं हुई। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ और मैं अपनी तरफ से कुछ एफर्ट दूंगा, कुछ कोशिश करूंगा कि मैं आपके पढ़ाई में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ। तो मैं आज से सीरियसली डेली एक छोटी या बड़ी क्लास अलग होगी, लेकिन कम से कम एक क्लास मैं डेली आप लोग के लिए लेके आऊँ, आप उसको देखें पढ़ें, उस हिसाब से अपना नोट्स बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ आज से दोस्तों, आज से हम इस पढ़ाई को शुरू करते हैं। और आइए दोस्तों, आज से हम क्लास शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूशन दीजिएगा, थोड़ा बहुत डेली। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही दिन पूरा पढ़ जाइएगा, डेली आप बस देखते रहिए, बस आप देखते रहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में क्या, अच्छा डेली बहुत बड़ी वीडियोस नहीं आएंगी, छोटी छोटी वीडियोस आएंगी। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपके बीएड सेकेंड ईयर में जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर का नाम है समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता और मुद्दे, तो आपको क्या पढ़ना है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अब जब समसामयिक के बारे में, कंटेम्प्रेरी के बारे में बात की जाए, तो हर एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था आपको इस किताब में पढ़ना है। तो मैं एक हल्का सा रूपरेखा देता हूँ आपको, और हम वीडियो यूनिट के जो सिलेबस हैं, जो लेक्चर, जो नोट्स हैं, वो मैं प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में देखिए कि हम यूनिट वन और टू के सिलेबस को जानेंगे, ठीक है। यूनिट वन और टू में क्या है, क्या पढ़ना है, रूपरेखा मैं आपको बताऊँगा। और फिर दोस्तों अगले एक हफ्ते में 7 दिनों में, आज कौन सा दिन है, आज है सैटरडे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आज सैटरडे, नेक्स्ट संडे से पहले, मतलब कल नहीं, उसके अगले संडे से पहले आपका 2 यूनिट कंप्लीट होने वाला है। आप इसके लिए तैयार रहेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों, बहुत खुशी होगी। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा, और जो मैं पढ़ाऊँगा आप उसका नोट्स अपने शब्दों में बना के मुझे दे दीजिएगा, फिर मैं उस नोट्स को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, वो तो अलग बात है। फिलहाल देखिए दोस्तों, चलिए, तो आपको जो थर्ड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, सब्जेक्ट का नाम तो अभी तक याद हो गया होगा, याद कर लीजिएगा। थर्ड पेपर का यूनिट वन क्या पढ़ना है आपको, यूनिट वन है दोस्तों एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा, मतलब आज़ादी से पहले और उसके पहले, प्री कॉलोनियल एरा में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हुआ करती। अब आप कहोगे सर किसकी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं वैदिक काल में, या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, हम आपसे बात कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट काल में, हम आपसे बात कर रहे हैं इस्लामिक एरा, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये तीन जो कालीन शिक्षा व्यवस्था रही हैं, उसका उद्देश्य क्या रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहा है, हमें ये जानना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहा है, उसका एम क्या रहा है दोस्तों, ठीक है, उसका एम क्या रहा है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। तीन कालीन शिक्षाओं में, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा और इस्लामिक कालीन शिक्षा, इन तीन कालीन शिक्षाओं के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उद्देश्य क्या रहे, उनकी विशेषताएं क्या रहीं शिक्षा में, हमें ये जानना है। तो ये दोस्तों आपका पहला यूनिट है, आपने इसे बीएड फर्स्ट ईयर में भी नॉलेज एंड करिकुलम में पढ़ा होगा, लेकिन आप इसको फिर दोबारा आप पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू में, कोई दिक्कत, कोई समस्या। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट है, वो है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट एरा। प्री इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी से पहले, जैसे मान लीजिए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत की शिक्षा में कुछ काम किया कि नहीं किया, ज़रूर किया था, क्या काम किया था, कैसे किया था, उसके बारे में आपको जानना है। जैसे एक ये आपका सिलेबस में बता रहा हूँ, आप जब आप अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे तो मैं उसका टॉपिक बता रहा हूँ, चार्टर्ड एक्ट के बारे में बस मैं बता दूँ कि जैसे हम पार्लियामेंट में, हमारा अभी कल बजट पेश हुआ था, वो इंटरिम बजट था, ठीक है, वैसे ही जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो लंदन में उनके पार्लियामेंट में क्या होता था, बजट जो पेश होता था उसको हम चार्टर्ड एक्ट कहते थे। तो ये हर 20 साल के बाद, ये क्या करता था ना, चार्टर्ड एक्ट जो सर भारत में जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको आदेश देता था, उसके लिए एक लाइसेंस देता था कि ठीक है भाई आप इंडिया में ये काम करते हो, तो उसे हम चार्टर्ड एक्ट कहते थे, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट।
1813 में चार्टर्ड एक्ट लागू हुआ था, एक चार्टर्ड एक्ट आया था, उसके 20 साल पहले भी आया था, उसके 20 साल बाद भी आया था, ठीक है। हर 20 साल पे कंपनी को लाइसेंस मिलता था, तो जिस नियम से या फिर जिस एक्ट से मिलता था उस एक्ट को हम चार्टर्ड एक्ट कहते थे, ठीक है। मेकालेस मिनट, जब ये चार्टर्ड एक्ट आया तो कुछ विवाद हो गया, उस विवाद को प्राचे पश्चात विवाद कहते हैं। विवाद क्या है इसके बारे में नहीं जानेंगे, बट मैं आपको रूपरेखा दिखा रहा हूँ। एक विवाद हो गया, तो उसी विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया था, मैकालेस मिनट जिसको कहते हैं। अब जब 1854 में जब एक और दोस्तों दो बार और जब चार्टर्ड एक्ट आया, तो उसके बाद वुड डिस्पैच, एक वुड का घोषणा पत्र आया था। जब पहले विवाद हो गया, फिर उसको और वो हल हो गया, फिर आगे दोबारा विवाद ना हो, इसीलिए वुड डिस्पैच, एक वुड का घोषणा पत्र आया था। ये आपको पढ़ना है। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, और फिर नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, फिर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत हुई, वो कैसे रहा, उसकी रूपरेखा क्या थी, ये आपको पढ़ना है। गोखले बिल, गोखले जी ने, बालकृष्ण गोखले जी ने कुछ सिफारिशें रखी थी, तो इनकी सिफारिशें और उसके गुण और दोष और वो क्यों रद्द हुआ, ये सारी चीज़ें आपसे सवाल पूछा जाता है, तो गोखले बिल हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना में पढ़ना है, वर्धा शिक्षा योजना। ये कंप्लीट दोस्तों आपका दो यूनिट का सिलेबस है, इसी दो यूनिट से हमें पढ़ना है, और इस दो यूनिट से लगभग आपको दोस्तों, लगभग आप नहीं मानेंगे, कम से कम आपको यहाँ पे 40 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको 40 नंबर का सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो हम इस दो यूनिट को अगले एक हफ्ते में, आई प्रॉमिस यू अगले संडे से पहले, ओहो नेक्स्ट संडे से पहले हम क्या करेंगे, इन दो यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सिलेबस मुझे तो याद है, क्या आपको सिलेबस याद हुआ? मैं आपसे तेरे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, पहले तीसरे सब्जेक्ट का नाम क्या है, आंख बंद करो और बताओ। हिंदी में समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता और मुद्दे, अंग्रेजी में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू। इसका पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा, भारत की पूर्व अवस्था में, समसामयिक अवस्था में, समसामयिक कालीन में हमारा क्या था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उस समय एजुकेशन कैसा था। उसमें तीन मुख्य टॉपिक कौन कौन से, वैदिक कालीन, बौद्धिक कालीन और इस्लामिक एरा, ठीक है। इन तीन कालीन शिक्षाओं की कॉन्सेप्ट, उद्देश्य, विशेषताएँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूनिट क्या था भाई, एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या था भाई हमारे पास, चार्टर्ड एक्ट 1813, मैकालेस मिनट, वुड डिस्पैच, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, वर्धा शिक्षा योजना और गोखले बिल। ये सारे पॉइंट है जो आपको इन दो यूनिट में पढ़ना है। मुझे तो सिलेबस याद है, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन मत करिएगा। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है उसको वन बाय वन हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे और कन्फर्म देखेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे अगर 20 बच्चे मिल जाएंगे, मैं मतलब जब ये वीडियो बनाया था मैं सोच रहा था कि क्या मुझे 20 ऐसे बच्चे, 20 छोड़ो 20 नहीं तो कम से कम 10 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको अगर मैं कुछ यहाँ पे नोट्स देता हूँ तो वो अपने शब्दों में हैंड राइटिंग नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजेंगे। क्या मुझे ऐसे 10 बच्चे मिल सकते हैं? अगर आप ऐसे उन 10 बच्चों में से हैं जो कि कहें कि ठीक है सर मैं भेजूंगा या मैं भेजूंगी, कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक फ़ीस देना पड़ेगा। फ़ीस क्या देना पड़ेगा? 1 रुपये मुझे नहीं देना है, आप इस नीयत से कहीं दान कर दीजिएगा, मतलब कहीं कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा, कहीं समाज सेवा में लगा दीजिएगा। 1 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी मर्जी, मुझे मत दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बार मन बनाइएगा कि ठीक है ये 10 रुपये मैं बीएड सेकेंड ईयर के पढ़ाई के नाम पे चलो किसी को दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ। उसके बाद से उन 10 बच्चों का यूँ समझ लीजिए मेरे पास एडमिशन हो गया। और यकीन मानिए अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट मतलब आप अपना एफर्ट देंगे, आप अपना समय देंगे, डे वन से लेके आज का डेट याद कर लीजिए, और जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा उस सेकेंड ईयर के रिजल्ट तक मैं आपके साथ रहूँगा। हर एक नोट्स मैं आपको दूंगा, हर एक लेक्चर दूंगा, प्रीवियस 5 सालों के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, सारा सिलेबस पढ़ा दूंगा बिल्कुल फ्री में, उसी में जो आपने वो दान किया था उसी पैसे में। इसके लिए मुझे कम से कम मतलब 20 की मेरी ख्वाहिश है। अगर 10 भी बच्चे मुझे मिल गए कमेंट में कि ठीक है सर आई एम रेडी, और जब मैं कहना कि मैं रेडी हूँ तो प्लीज़ रेडी रहना, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है देखते हैं, क्योंकि फिर हम उन 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिक, एक मतलब मैं अपने पास उनका रिकॉर्ड रखूंगा, नाम लिखूंगा कौन से कॉलेज से हैं ऐसा लिखूंगा, और मैं उनको ट्रैक करूंगा कि उनको कौन कौन सी यूनिट मैंने पढ़ा दिया, उन्होंने कौन कौन से यूनिट का मुझे सिलेबस और वो अपना नोट्स मुझे भेज दिया है, ये मैं सारा ट्रैक करूंगा। उनका एडमिट कब आता है, उनका फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, मैं इन 10 बच्चों को मैं
कंट्रीब्यूट कर, 10 से भी 20, 20 से ज़्यादा भी हो गए सो आई कैन मैनेज दैट, मुझे खुशी होगी, बट कम से कम एटलीस्ट मुझे 10 बच्चे चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एक हफ्ते में मैं बिफोर संडे इस सब्जेक्ट का 2 यूनिट वी विल कम्प्लीट, और इसमें हम कल से शुरू करेंगे, कल से हम शुरू करते हैं ये, कल से सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे, सेकेंड यूनिट देख लेंगे, जो मैंने अभी बताया ना 1800, 1300, 1800 की मेरा फेवरेट है, तो इससे आपको मज़ा भी आएगा, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो भी आ सकता है, बट हम वहाँ से शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। तो फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार उठो उठो, कमर कसो कमर कसो कमर कसो, सो बी रेडी फॉर स्टडी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इस वीडियो बना के। मैं आशा करता हूँ कि अब आप तैयार होंगे पढ़ने के लिए, अगर तैयार है तो हाथ मिलाइए, कमेंट में आइए, राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए, पसंद आई हो वीडियो लाइक कर दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे लेक्चर वीडियो में, कल की वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।